आज घर में थोड़ा बोर लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा घूमने चलते हैं। और घूमने गया तो देखा कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कुछ प्रमोशंस की शो चल रहा था, तो मैंने अंदर जाने लगा। अंदर जाते हुए देखा बहुत अच्छी लाइटिंग डेकोरेशन किया गया था, और देखा कि आगे तो मैंने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं क्या हो रहा। अरे यहाँ पे तो एक रेत में कुछ आर्ट की गई थी जिसे बालू का कला भी कहते हैं, और देखा कि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा मैंने शूट भी कर लिया। शूट करते करते देख रहा था कि कुछ साउंड आ रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे। यहाँ पे कुछ खाने के स्टॉल्स लग रहा था। यहाँ पे लिखा था कि बालेश्वर पल्लीश्री मेला है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए और कुछ टाइम पास भी हो जाएगा। और देखा कि यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप का एक डेमो लगा हुआ था, लाइटिंग में सजी हुई थी। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था, लोगों से खचा खच भरा हुआ था। और यहाँ पे मैंने लोगों से सुना कि जावेद अली सर, जो इंडिया के टॉप मोस्ट सिंगर है, वो आए हुए थे, उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाके उसका भी वीडियो शूट करूँ। वीडियो शूट करने लगा तो मेरे मोबाइल पे कुछ आ नहीं रहा था, तो गाइस सॉरी। बहुत दूर है, बहुत लोग खड़े थे। क्या वीडियो कर रहा हूँ और कुछ उसका फेस ही थोड़ा टोटल रिवील नहीं हो रहा था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ रहा था। बहुत लाइट की अच्छी, बहुत डेकोरेशन की गई थी। लाए थोड़ा थोड़ा जस्ट पहचान ही जा रही थी कि वो जावेद अली सर है। और लाइट इतना था कि मोबाइल कैमरे में कुछ कैप्चर ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे थोड़ा लिखा गया था, मुझे पता चला कि वही वो शायद वो हो सकते हैं। तो जब स्क्रीन पे आया तभी मुझे पता चला कि वो जावेद अली सर है। गाना बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ा एक गाना सुनने के लिए रुक गया। लोगों से खचा खच भरा हुआ था वो फील्ड। वो देख पा रहे हैं कि बहुत लोग, ज़्यादा ही लोग आगे कुछ लोग बैठ के देख रहे थे। मैंने भी देखने लगा, फिर देख पा रहे हैं। ये गाने के बीच में थोड़ा ब्रेक है इसलिए कोई लाइट नहीं जल रही है। ज़्यादा आगे जाने के लिए ट्राई किया तो वो कुछ स्वेच्छा से भी उन्होंने मुझे रोक लिया। आगे बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ, बढ़ गए हैं, तो इसलिए मुझे जाने नहीं दिया। फिर से प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब देख पा रहे हैं लाइट जल चुकी है। देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से कुछ कैमरे पे नहीं आ रहा है। आप माफ़ कर देना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैं मेरे वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जो कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों की प्यार, आप जब तक हमें प्यार देते रहेंगे तभी हम कुछ नया नया लाने के लिए कोशिश करेंगे। हमें
मोटिवेशन मिलता है ना आप लोगों की, जो आप लोगों की प्यार के वजह से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी नए नए वीडियो ला सके। गाना कुछ भी क्लियर नहीं है, गाना थोड़ा भी क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत लाउड साउंड है यहाँ पे, इसलिए गाना कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। अतः घर में बैठ के मैं बोर हो रहा था तो निकल के आया, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम देखने लग गया। आप लोगों को भी जब बोरिंग लगता है घर पे तो आप क्या करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं तो भाई घूमने चला जाता हूँ यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ। आप लोगों क्या करते हो, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मुझे इस मेले में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जावेद अली सर का गाना। फिर मैंने देखा कुछ कुछ स्टॉल भी लगा हुआ है। इस गाने के ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि कुछ स्टॉल भी घूम लिया करूं। यहाँ गाना चल रहा है, गाना क्लियर नहीं है, इसलिए गाना को मैंने वीडियो से रिमूव कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, फिर से एक गाना शुरू हो गया। कुछ भाई और बहनों ने भी एंजॉय करना शुरू कर दिया है, मोबाइल की फ्लैश ऑन करके एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आप भी फ्लैश जला लो। मैंने कहा कि फ्लैश जलाने से क्या हो जाएगा, वो क्या थोड़े हमें बुला लेंगे, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। वो लोग भी एंजॉय करने लगे, कुछ लोग वीडियो भी कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लोग तो पापा मम्मी भगवान का दुआ देके लाइक शेयर बोल करने के लिए बोलते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि छोटा भाई समझ के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की प्यार के वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि कुछ नया नया वीडियो ला सकूं। बहुत ही अच्छा लाइटिंग डेकोरेशन की गई है, गाना भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर जावेद अली सर को हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी थोड़ा। कितना लाइटिंग है तो आप देख रहे हैं, बहुत ही दोस्त मेरे साथ आए हुए थे। आप खाली टाइम में क्या करते हो प्लीज़ बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।
यहाँ पे मैं लाइव तो नहीं देख सका, इसलिए मैंने स्क्रीन की तरफ चला गया। स्क्रीन की तरफ जाके देखा कि स्क्रीन पे चल रहा है कुछ वीडियो, ड्रोन्स की शूटिंग ली जा रही है। तो मैंने उस स्क्रीन पे कुछ समय देख के मज़े लेने की कोशिश की। यहाँ पे लग रहा था कि जावेद अली सर ही है, बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था। वहाँ पे थोड़ा लाइट देख लिया, देख रहा था और स्क्रीन पे जावेद अली सर को। गाना गाना बहुत ही अच्छा था, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे बालेश्वर की कलेक्टर सर भी आए हुए थे इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। और हॉकी वर्ल्ड कप की जो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है उड़ीसा में, उसका कुछ प्रमोशन के लिए भी आए हुए थे। यहाँ पे पुलिस और मेडिकेटेड के लिए भी कुछ सुविधा दी गई थी। और ये मैंने बाहर निकल गया, निकलते हुए एग्जिट गेट में भी देखा है कुछ दुकानें, कुछ स्टॉल और झाड़ियों में कुछ कलरफुल लाइट्स भी लगाए गए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप देख पा रहे हैं कि कैसे कितनी अच्छी लाइट पेड़ में लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। लोग इनको एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करते करते कुछ स्टॉल में खरीद भी रहे थे। और ये मैं गेट से बाहर निकल गया निकलते हुए घर। और प्लीज़ गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।